once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Hi friends, good morning. आज है second day और हम तैयार हो रहे हैं. मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये है मेरा एक साड़ी और तीन ब्लाउजेस. मैं कंफ्यूज हूँ किसके साथ जो ये मैच करेगा. आई थिंक सभी के साथ ही मैच करेगा. तो देख लेती हूँ मैं कौन सा पहनती हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने. एग्ज़ाम देने के बाद मैं डायरेक्ट मीन्स मम्मी पापा से मिलूँगी. उन लोग के साथ उन लोग पूजा देने जाएंगे तो एक मंदिर है तो मैं वहाँ से आप लोगों के साथ मीन्स वीडियो शुरू करूँगी. और अभी ये मैं रेडी होके इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट में जाएंगे. ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो भी हम शेयर करेंगे. ओके सो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ. सो फाइनली मैं एक पिंक ब्लाउज मैंने पहना है और मैं अपने प्लेट्स बना रही हूँ. सो प्लेट्स में इतनी माहिर नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अच्छी तरह मैं साड़ी पहन लूँ. सो अभी पिन अप कर रही हूँ और मेकअप के लिए मैं पहले सनस्क्रीन लगा ले रही हूँ क्योंकि डे टाइम है. सनस्क्रीन मस्ट लैक्टोकैलामाइन का सनस्क्रीन मैंने लगाया है. फिर प्राइमर मैंने लगाया है कलर बार का प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा है, जो भी ओपन पोर्स है उसको क्लोज कर देता है. और फिर मैंने मेकअप फिक्सर लगा लिया है ताकि जो भी मैंने सॉल्यूशन लगाया है वो मीन्स सेट हो जाए. और ये ना मुझे बहुत ही मीन्स इरिटेट करता है इसका स्मेल, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सेट होता है, मेरे लिए अच्छा लगता है और स्किन के लिए भी अच्छा है. फिर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ मेबेलिन से. मेबेलिन बहुत ही सूट करता है मेरी स्किन को, मीन्स पिंपल ज़्यादा नहीं होते. वैसे भी मेरा पिंपल प्रोन बहुत ज़्यादा स्किन है, इसलिए मैं नॉन कोमेडोजेनिक जिस प्रोडक्ट में लिखा रहता है वही प्रोडक्ट मैं लेती हूँ. और यहाँ पे फिर से मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ. पता नहीं मैंने कैसे जो कैरी किया इतना सारा मेकअप का चीज़. और अभी मैं लैक्मी का सनस्क्रीन पाउडर लगा दे रही हूँ ताकि सेट हो जाए मेरा फाउंडेशन. और ये बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा रोज़ कलर है और पता नहीं ये थोड़ा ज़्यादा वाइटिश आई थिंक लगता है, लेकिन फिर भी ठीक ही है. मीन्स मुझे और मिल ही नहीं रहा था कोई भी अच्छा. और अभी मैं लैक्मी स्पॉटलाइट का आई शेडो लगा रही हूँ. आई शेडो मैं सिंपल ही रख रही हूँ, कट क्रीज ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ. और यहाँ पे पिंक शेड ब्राउन शेड मिला के मैं मीन्स लगा रही हूँ. तो मेरे पतिदेव बोल रहे रेडी हो जाओ, खाने जाना है, फिर तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है. फिर आईलाइनर मैं लगा रही हूँ. आईलाइनर अगर नहीं लगाती हूँ मुझे इतना अजीब लगता है देखने के लिए क्योंकि मैं काजल नहीं लगाती हूँ. और इसके बाद थोड़ा मैंने शुगर पॉप का लगा लिया है ब्लशर. और अभी मेबेलिन का हाइलाइटर लगा रही हूँ. ये हाइलाइटर ना बहुत ही अच्छा मुझे लगता है. मैं अगर ये ख़त्म होगा ना मैं और एक मीन्स खरीदूँगी, ये वाला ब्रांड का ही बहुत ही अच्छा है, 500 के अंदर ही है. और अभी ये मैंने न्यू लिपस्टिक ख़रीदा है शुगर पॉप का वाइन कलर, मीन्स डीप पिंक जो कलर होता है वो वाला. मीन्स ये 300 के आसपास है इसका रेंज. और अगर आपको ऑफर प्राइस में मिलेगा तो आप और भी मीन्स 200 पे भी मिल सकता है. तो मैं रेड या फिर पिंक पहनूँ दोनों मीन्स चेक करके देख रही थी, फिर लास्टली मैंने पिंक ही चूज़ किया है. और अभी मैं लगा ले रही हूँ लिपस्टिक. तो कैसा लग रहा है? और थोड़ा बाल को सेट कर लेती हूँ. बाल को मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि इसके बाद ये सब मीन्स सेट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है. और मैं सिंपली रख रही हूँ क्योंकि कॉलेज भी जाना है तो वहाँ इतना वैसे भी सच के जा रही हूँ और ज़्यादा कुछ ना करूँ. अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए आ चुकी हूँ. यहाँ पे है आलू पराठा, छोटे छोटे बर्तन हैं. यहाँ पे है दही, बहुत सारे दही, मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है. और यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे पोहा टाइप कुछ है. और इसके बाद है यहाँ पे पायश और यहाँ पे एग, मीन्स सिंपल ही रखा है आज का. और उस साइड ब्रेड बटर जैम, फिर छोटे केक्स, फिर कॉफ़ी टी जो भी खाओ आप, कॉर्नफ्लेक्स. यहाँ पे फ्रूट्स रखे गए हैं, सैलड्स रखे गए हैं, फिर फ्रेंच फ्राइज रखे गए हैं, फिर सॉस भी रखा गया है. तो मैं थोड़ा बहुत सैलड आलू पराठा ये सब ले लिया है मैंने. और फ्रूट्स भी मैंने लिया है. फ्रूट्स में था वाटरमेलन,
लेकिन उस टाइम ना वाटरमेलन का सीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही था। तो हम लोग गप्पे मार मार के खा रहे थे और पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पापा बोल रहे थे कि बहुत ही मींस अच्छा आलू पराठा बना है। हम लोग तो घर पे बनाते हैं आलू पराठा, इससे भी और भी अच्छा बना है। अभी मम्मी खाना ले रही है, मम्मी को बोला खा लो अभी अच्छे से, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको और हम लोग लंच करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी सैलड ले रही है, फिर फ्रेंच फ्राई। और यहाँ पे उन लोग मींस वेटर रहते हैं, उन लोग मींस बना के देते हैं कॉफ़ी, मींस शुगर के बिना या फिर शुगर के साथ ऑर्डर देने से उन लोग बना देते हैं। और ये देखो मेरा भाई खा के जा चुका है शायद, हाँ उस टाइम नहीं था। अभी मैं मैंगो जूस पी रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और मींस हम लोग 20 मिनट्स अराउंड मींस ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे होटल के बाहर का सीनरी है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो पोजेस दे रहे थे, थोड़ा फ़ोटोशूट चल रहा था बुक के साथ, बहुत सारे बुक्स यहाँ पे थे। तो मैं भी यहाँ पे बुक्स रीड करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स थे, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही थी। और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली ये जब टाइम है, मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम देके आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं होटल आ चुकी हूँ एक्चुअली, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मीन्स मंदिर। सो पापा और हस्बैंड ने एक कार बुक किया था, तो उसी से हम लोग जा रहे थे। और उन लोग एक्चुअली, मैं तो एग्ज़ाम देने चली गई थी, उन लोग मीन्स होटल पे ही थे। और उसके बाद ये जो जगह है, मीन्स ड्राइवर बोल रहे थे ये बहुत ही सुनसान जगह है, यहाँ पे क्या किसी का डेथ हो गया था, क्या क्या बोल रहे थे, गोस्ट स्टोरीज टाइप। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन इसी वे से ही जाना पड़ता है। और रात के टाइम बोलते हैं यहाँ से जाना एकदम अच्छा नहीं होता है, एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा होते हैं। पता नहीं ये सच है या झूठ, आप लोग को भी अगर पता हो तो बताना एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। मुझे तो ये सब मीन्स बहुत ही डरावना लगता है। और हम लोग अभी पहुँच गए हैं मंदिर के सामने। यहाँ पे बहुत सारे शॉप हैं, कहीं से भी आप घुस के मीन्स भगवान के लिए थाली ले सकते हैं। और यहाँ पे साड़ीज़ भी रखे गए हैं, अगर आप चाहो तो साड़ीज़ भी मीन्स माता को दे सकते हैं, काली माँ को। और यहाँ पे हम लोग सजा रहे थे, यहाँ पे मोमबत्ती, धूपकट्टी, फिर सिंदूर, शाखा पोला, ये सब उन लोग सेट कर रहे थे। सो चलिए देखते हैं उन लोग क्या क्या सेट करते हैं। আর একটা ইয়ে দিন শাড়ি শাড়ি শাখা সিঁদুর কোনটাতে দিবে? হ্যাঁ সাদা সিঁদুর তো দেওয়াই আছে, শাড়ি কি সাদা প্রিন্ট দিতাম? হ্যাঁ সাদা সাদা প্রিন্টই দিবে, হ্যাঁ সিঁদুর তো দিয়ে দিতে, না না সিঁদুর তো আর চরণ ছয়া দিবেন, আর ওই সিঁদুরটা মার কপাল লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ মার মানে এই রেখে দিবেন, মার কপাল লাগবে। শাখা সিঁদুর কত? আপনার নামটা কত? এক রকম তো দিও, সব 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 সো মেয়ে আভি উইদাউট স্যান্ডেলস হি যা রি হু। ইয়ে মুঝে বহুত হি আচ্ছা লাগতা হ্যায় এসে দর্শন করনা। আর হাম লোগ পৌঁছ গয়ে হ্যায় মাতা বাড়ি। बहुत दिनों का ही मीन्स प्लान था कि दर्शन होगा माँ के साथ, लेकिन हो नहीं पा रहा था।
और लास्टली द डे केम, सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो चलिए दर्शन करते हैं। তুমি শাড়ির কা অবস্থা দিও প্রিয়া, হ্যাঁ বলো বলো, শাড়ির শাড়ি একটা আছে, সো হমনে যে थाली सजाया था माँ के लिए वो हम लोग यहाँ पे देते हैं और उन लोग हमारे नाम पे पूजा देके फिर रिटर्न करते हैं थाली, और साड़ी ये सब उन लोग रख देते हैं, वो मीन्स माँ पहनती है। और अभी मीन्स मम्मी का भी थाली मम्मी देके मीन्स निकल चुकी है और हम लोग अभी आ चुके हैं माँ के दर्शन के लिए। सो पापा बोलते हैं कि पहले ये सब रस्सी इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं था, लेकिन अभी मीन्स रस्सी लगाया गया है ताकि लोग ज़्यादा भीड़ ना करें। और आजकल क्या है, लोग ना एकदम मंदिर के अंदर घुसने की ट्राई करते हैं, तो इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन बना है। तो देखिए माँ का मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया है, बहुत ही कष्ट से, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का एनवायरनमेंट, मैं बहुत दिन बाद मैं पहुँची थी वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अंजलि सेशन चल रहा था, तो मम्मी पापा ने अंजलि दिया, हमने नहीं दिया था और उन लोग ने दिया था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था और बहुत ही परफेक्ट टाइम पे हम लोग आए थे। और ये है सीढ़ी, हम लोग बहुत टाइम रह के रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे दुकान भी हैं, यहाँ पे फ़ोटो ख़रीद सकते हैं। और ये ना सामने एक पॉन्ड है जहाँ पे मीन्स काछिम बोलते हैं वो दिखाई देता है, बहुत ही बड़ा बड़ा, और लोग काछिम को खाना भी खिलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक काछिम इधर आके मीन्स खाना ढूंढ रहा है अगर कोई इसे दे तो। ये बहुत ही बड़ा पॉन्ड है और यहाँ पे पता नहीं बहुत कुछ पूजा भी होता है होगा। फिर हम लोग पहुँच गए मीन्स वहाँ जहाँ से हम लोग ने थाली सजाया था उन लोग का बास्केट रिटर्न करने, और फिर वहाँ से हम लोग का मीन्स जो फेवरेट पेड़ा होता है वो सब लिया था हमने, बहुत सारा लिया था। और ये हम लंच कर रहे हैं वहाँ पे भी, सामने एक निरामिश मीन्स वेज होटल है, वहाँ पे हमने लंच किया था, बहुत ही अच्छा लंच था। और यहाँ से दिखाई देता है, और हम फिर रिटर्न कर रहे हैं। आज का इतना तक ही ब्लॉग है, और आप लोगों को कैसा लगा माँ का दर्शन करके? जो लोग अभी तक नहीं किए हैं जल्दी पहुँचिए। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे निर्महल, लेकिन आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं निर्महल का अलग सा ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर यहाँ का जो निर्महल है वो भी इतना सुंदर है, मुझे तो पहले पहुँचने के बाद डर लग रहा था कि इतना पानी है मैं कैसे जाऊँगी, और मैं ना लाइफ में मीन्स मैं बोट पे नहीं चढ़ी थी क्योंकि मुझे आता भी नहीं है स्विमिंग और बहुत ही डर लगता है। फिर भी हम लोग जाएंगे शायद। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।